सो गाइस, इससे पहले कि मैं रिएक्ट में आगे बढ़ूं और आप लोगों को रिएक्ट के और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊं, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर करना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले तो वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ हाउ अ बेसिक वेबसाइट वर्क्स, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक क्लाइंट है, ठीक है, ये एक बंदा है जो कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, ये मान लो चेयर है इसकी, ठीक है, और ये बैठा हुआ है, कीबोर्ड है इसका और ये इसकी स्क्रीन है, थोड़ी बड़ी यूज़ कर रहा है, कोई बात नहीं। अब क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक रिमोट सर्वर रखा हुआ होगा, ठीक है, और ये बात ना मैं कई बार बता भी चुका हूँ, ठीक है, ये एक मान लो रिमोट सर्वर है। इस रिमोट सर्वर पे क्या करेगा, इस क्लाइंट का जो इंटरनेट कनेक्शन है, मैं इसका सीपीयू बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसका इंटरनेट कनेक्शन रीच आउट करेगा इस सर्वर से एक रिक्वेस्ट के साथ। जैसे मान लो codewithharry.com है, तो ये codewithharry.com पे जाएगा और सर्वर से कहेगा कि मुझे codewithharry.com की करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स दे दो, तो रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स मांगेगा। रिस्पॉन्स के तौर पर इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, ये चीज़ इसको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये नॉर्मल सिनेरियो में अगर हम लोग एक सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करें तो दूसरा सिनेरियो रहेगा, ये नॉन सिंगल पेज एप्लीकेशन मल्टी पेज एप्लीकेशन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टी पेज ऐप्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन में ये चीज़ क्या बदलेगी, ये चीज़ सिंगल पेज एप्लीकेशन में कुछ इस तरह बदलेगी कि जो रिक्वेस्ट है वो एक बार जाएगी, ठीक है, और रिस्पॉन्स में HTML CSS जावास्क्रिप्ट बहुत सारी पहली रिक्वेस्ट के साथ आएगी। और एक बार HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये जो है ये आ गई, ये तो खैर मल्टी पेज ऐप्स का सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि हर पेज के करस्पॉन्डिंग उसकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ codewithharry.com/about, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट आएगी। अगर मैं बात करूँ codewithharry.com/contact, उसकी अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट आएगी। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, अब सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर मैं सिंगल पेज एप्लीकेशन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि ये जो बंदा है, जो क्लाइंट है, ये एक बार जो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, एक बार सर्वर को ये जो रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर इसको एक बहुत सारी HTML CSS और बड़े बड़े JS के बंडल देगी। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट एक बार मिलेगी, और एक बार इसको ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट मिल गई रिस्पॉन्स में, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, एक बार इसको मिल गई तब क्या करेगी, जावास्क्रिप्ट टेक ओवर कर जाएगी और जावास्क्रिप्ट उसके बाद पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करेगी। यानी कि इसके बाद अगर कहीं पर क्लिक किया जाता है तो जावास्क्रिप्ट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी पेज को चेंज करने की, तो क्या होगा कि रिलोड नहीं होगा पेज, ठीक है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन वर्सेस नॉन सिंगल पेज एप्लीकेशन में एक डिफरेंस बहुत ही क्विकली आपको बताना चाहता था। यहाँ पर हर पेज के करस्पॉन्डिंग अपनी अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट आएगी। यहाँ पर क्या होगा कि एक बार जब आपने पेज लोड किया, चाहे वो कोई सा भी हो, codewithharry.com/contact हुआ या /videos हुआ या /blog हुआ, एक बार HTML CSS और जावास्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाएगी, और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद जावास्क्रिप्ट टेक ओवर कर लेगी और APIs की मदद से सेम पेज को पॉपुलेट किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि सेम पेज को कैसे पॉपुलेट किया जाएगा, APIs के थ्रू पॉपुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा इसको, इस चीज़ को थोड़ा बड़ा बनाकर समझाऊंगा। मान लो ये एक पूरी वेबसाइट है हमारी, ये पूरा हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं यहाँ पर जल्दी से बना देता हूँ। और ये वेबसाइट क्या कर रही है, ये वेबसाइट बेसिकली मान लो ये हमारा हेडर है, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, और मान लो ये एक स्पेस है हमारी वेबसाइट में जिसमें हमारा मेन कंटेंट है, और लेट अस से यहाँ पर हमारा एक साइड बार है यहाँ पर जिसमें कुछ कंटेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर codewithharry.com पर अगर कोई आता है, codewithharry.com पर कोई आता है, तब ये जो पेज है वो डिस्प्ले करा सकता हूँ विद सम इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और यहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन है, लेटर से यहाँ पर एक इमेज है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो किसी ने क्लिक कर दिया यहाँ पर कॉन्टैक्ट में, ये कॉन्टैक्ट अस है, मान लो यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया किसी ने, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा कॉन्टैक्ट अस पर, मैं क्या कर सकता हूँ, डायनामिकली इस कंटेंट को जो यहाँ पर है और इस कंटेंट को जो इस एरिया में है उसको चेंज कर सकता हूँ। तो पेज को रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ चीज़ें जो कि ऑलरेडी साइट पर थी, जैसे कि ये वाला लोगो या फिर ये वाला डिज़ाइन, इस डिज़ाइन की CSS, और हो सकता है फुटर भी हो हमारा यहाँ पर, तो इन सब चीज़ों को हिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ API से डेटा आएगा और वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो रिएक्ट जो है कुछ इस तरह से काम करती है। आई होप कि ये अंडरस्टैंडिंग सबको इस पॉइंट पर है, थोड़ा डायग्राम बना के समझा दिया आप लोगों को। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, कुछ इस तरह से काम करती है, और नॉन सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो मैंने यहाँ पर आपको बताई, कुछ इस तरह काम करेगी, बार बार रिक्वेस्ट जाएगी, पूरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट आएगी, रिक्वेस्ट जाएगी, बार बार पूरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट आएगी। सिंगल पेज एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारी बैंडविड्थ बचा सकते हैं, बहुत सारा मैं कहूँगा जो डेटा का ट्रांसपोर्टेशन है वो बचा सकते हैं। जब आपके बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में, तब तो बहुत बैंडविड्थ बचा सकते हो आप, अपने सर्वर पे लोड कम कर सकते हो और क्लाइंट का भी डेटा बचा सकते हो, ठीक है। तो दोनों का फ़ायदा है यहाँ पर। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई।
अब यहाँ पर जल्दी से कुछ और चीज़ों की बात मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि हमने बनाया था उसमें मैं बूटस्ट्रैप को ऐड करूँगा और उसके बाद वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने पहले प्रोजेक्ट को यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर जल्दी से इसको वी एस कोड में खोल लेता हूँ। बाय द वे एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँगा और थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करूँगा। परेशान करूँगा का मतलब ये है, एक और कॉन्सेप्ट समझा के यार परेशान करूँगा कि मैं चाहता हूँ चीज़ें क्लियर हों आप लोगों के लिए। ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर दिख रहा है आप लोगों को, अगर मैं इस नोड मॉड्यूल्स को डिलीट मार दूँ, अगर मैं शिफ्ट डिलीट कर दूँ तो यार थोड़ा सा ये टाइम लेगा डिलीट होने में टाइम भी नहीं ले रहा है। ये टाइम क्यों नहीं ले रहा है भाई, डिलीट हो जा, डिलीट क्या नाटक चल रहा है ये, ओके डिलीट हो रहा है, टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डिलीट हो रहा है, तैयारियां कर रहा है डिलीट होने की, वापस आता हूँ इसको डिलीट करके। तो यार ये थोड़ा सा समय ले रहा है डिलीट होने में, और अगर आप लोगों का कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है तो शायद आपको ये परेशान भी करे डिलीट होने में। बट इसके अंदर था क्या, बाय द वे ये बात कर लेते हैं, इसके अंदर वो सारे के सारे पैकेजेस थे जो कि हम लोगों को चाहिए थे अपनी रिएक्ट वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। जितनी भी डिपेंडेंसीज वगैरह थी वो सारे जावास्क्रिप्ट पैकेजेस इसके अंदर थे। ये देखो डिलीट कर रहा हूँ सारे के सारे। अब मैं डिलीट क्यों कर रहा हूँ, देखो यार जब भी हम अपनी एप्लीकेशन किसी को देते हैं, एक नोट जे एस ऐप किसी को भी देते हैं, तब हम क्या करते हैं, ये नोट मॉड्यूल्स वाला फोल्डर नहीं देते हैं। नोट मॉड्यूल्स वाला फोल्डर दोबारा से रिक्रिएट किया जा सकता है पैकेज और पैकेज लॉग डॉट जेसन का इस्तेमाल करके। अगर मैं npm install लिख दूंगा या सिर्फ npm i भी लिख दूंगा तो ये मेरे नोट मॉड्यूल्स फोल्डर को वापस से क्रिएट कर देगा, सारी की सारी डिपेंडेंसीज को दोबारा से इंस्टॉल कर देगा और मेरी ऐप बिल्कुल सही से चलेगी। इसीलिए हम लोग गिट इग्नोर के अंदर डालते हैं नोट मॉड्यूल्स फोल्डर को, ताकि हम नोट मॉड्यूल्स फोल्डर को एक्सीडेंटली किसी को दे ना बैठे, क्योंकि यार वो तो डाउनलोड कर लेगा ना सारी डिपेंडेंसीज इंटरनेट से पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन की सहायता से। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। npm इंस्टॉल आप जैसे ही लिखोगे या npm i भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। अब ये पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं वापस आता हूँ। आई होप जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो समझ में आई आप लोगों के। Few moments later. तो यार ये फिनिश हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जल्दी से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग बूटस्ट्रैप को ऐड कर सकते हो। तो मैं जल्दी से getbootstrap.com पर जाता हूँ, getbootstrap.com। अब अगर आप लोग को नहीं पता बूटस्ट्रैप क्या है, तो बेसिकली हमें CSS और जावास्क्रिप्ट ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स मिलेंगे। कुछ कुल मिलाकर ऐसा समझ लो कि इस तरह का नैव बार हम कॉपी पेस्ट से बना सकते हैं। कुल मिलाकर यार पूरा कॉपी पेस्ट है बूटस्ट्रैप, अगर बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं तो। बस फॉलो करते जाओ अगर आपको नहीं पता बूटस्ट्रैप क्या है। एक फ्रेमवर्क है, एक CSS का फ्रेमवर्क है, बड़े आराम से आप लोग UI कंपोनेंट्स को अपनी ऐप में डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो और वो रिस्पॉन्सिव भी होंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर हम लोग डॉक्स में जाएं तो यहाँ पर इनकी स्टार्टर टेम्पलेट दी हुई है। कुल मिलाकर स्टार्टर टेम्पलेट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो क्या है, एक तो इनकी ये है बूटस्ट्रैप बंडल विद पॉपर, हमें ये स्क्रिप्ट ऐड करनी है। हम कहाँ स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, देखो यार हमको अभी ये अंडरस्टैंडिंग है कि पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी सारी पब्लिक फाइल्स हैं और उनमें से एक है index.html। index.html के अंदर जो div id = root है उसके अंदर सारा मसाला डाल देती है रिएक्ट, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें एक एक जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ हमें CSS भी ऐड करनी है, हमने जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप की ऐड कर ली, हमें बूटस्ट्रैप की CSS भी ऐड करनी है। तो कॉपी करेंगे इस बूटस्ट्रैप CSS को और टाइटल के ऊपर डाल देंगे, और ये हमें बॉडी के ऊपर डालनी थी बेसिकली, तो इसको टाइटल के ऊपर डालते हैं सबसे पहले और उसके बाद इसको बॉडी के ऊपर डाल देंगे, जैसे हमारी नॉर्मल इसमें पड़ी हुई थी, किस में पड़ी हुई थी, नॉर्मल स्टार्टर टेम्पलेट में, जो हमारी बूटस्ट्रैप की स्टार्टर टेम्पलेट है, जैसे वहाँ पर CSS और जावास्क्रिप्ट एडेड है उसी तरह मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। तो CDN यूज़ कर रही है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट है वो भी मुझे मिल जाएगी और इंटरनेट के थ्रू ही जो बूटस्ट्रैप की CSS है वो भी मुझे मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की CSS और बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट दोनों यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या मेरी जो ये है बूटस्ट्रैप वो ऐड हो गई है कि नहीं हुई है। उससे भी पहले यार जल्दी से npm स्टार्ट कर लेते हैं यार, क्योंकि हमने नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर को ही उड़ा दिया था और उसके बाद वापस से npm इंस्टॉल करके उसको बनाया, तो यार देखना तो बनता है ना कि यार सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और अच्छी खबर ये है कि सब कुछ जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो चेंजेस किए थे अपनी ऐप वाले कंपोनेंट में वो यहाँ पर देखो आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, जो हमारी src के अंदर ये index.css है मैं इसको उड़ा दूंगा, मुझे कोई CSS नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये बहुत ही बेसिक सा मेरा हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि बूटस्ट्रैप ऐड हो चुकी है इसलिए बेसिक सा नहीं हो रहा है। अगर मैं बूटस्ट्रैप हटा दूँ, एक बार हटा के दिखाता हूँ बूटस्ट्रैप आप लोगों को, मैंने बूटस्ट्रैप की CSS हटाई,
मैंने बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट हटाई, अब मैं इसको रिलोड करूंगा, देखो एकदम बेसिक एचटीएमएल में कन्वर्ट हो गई ये चीज़, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से कंट्रोल जेड करके अपनी जो बूटस्ट्रैप मैंने लगाई है सीएसएस और जावास्क्रिप्ट दोनों उसको इंक्लूड कर लेता हूँ। अब मैं बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ अपने यहाँ पर, कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ऐप डॉट सीएसएस में। तो जल्दी से मैं क्या करूँगा, जो चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ ऐप डॉट सीएसएस से उसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ अभी अपनी एक सीरियस ऐप। क्या है ये प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है टेक्स्ट ट्यूटल्स और बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है। ये क्या करेगा कि किसी भी इंसान को एक पीस ऑफ टेक्स्ट लाकर, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं उस टेक्स्ट में, उसी के साथ साथ उस टेक्स्ट में से एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर आपको हटानी है वो रिमूव करवाएगा, उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को उसको कैपिटलाइज करना है तो वो करने में मदद करेगा, और अगर आपको उसको लोअर केस से अपर केस में करना है या फिर पूरा लोअर केस में करना है तो ये सारे काम करने में ये एप्लीकेशन मदद करेगी। एक टेक्स्ट बॉक्स मैं दूंगा, उसमें आप अपना टेक्स्ट डालोगे, नीचे बटन पे क्लिक करोगे, पेज के बिना रिलोड हुए आपको जो टेक्स्ट है वो चेंज होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बहुत अच्छा नैव बार सबसे पहले बनाते हैं, हम लोग को अभी ये तो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे से कि यार जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, जो ऐप डॉट जेएस है, उसके अंदर से सारी चीज़ें हमारी स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अभी देखो सब कुछ खाली हो गया है, क्यों हुआ है खाली, खाली इसलिए हुआ है कि कुछ डाला ही नहीं है मैंने यहाँ पर। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट लेकर आता हूँ, उस कंपोनेंट का नाम है नैवबार। नैवबार पर क्लिक करूँगा और ये नैवबार लेकर आऊँगा, एक बहुत ही बेसिक सा नैवबार है। मैं कॉपी पर क्लिक करूँगा, ये कॉपी हो गया मेरे क्लिपबोर्ड पर, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एक बहुत ही बेसिक नैव बार मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये ना दिक्कतें दे रहा है मेरे को, ये एरर दे रहा है, मैं देखता हूँ क्या एरर दे रहा है, ये क्या चाहता है मेरे से, ठीक है। मैं अगर इसको सेव करूँ अभी तो ये कुछ चाहता है मेरे से, ये क्या लिख कर आ रहा है, जेएसएक्स फ्रैगमेंट हैज़ नो करस्पॉन्डिंग टैग। अब देखो यहाँ पर ये जो एरर्स आ रहे हैं इनको कैसे फिक्स करेंगे, कुछ एरर्स आ रहे हैं यहाँ पर, और वो एरर्स मैं बताता हूँ क्या आ रहे हैं। कोई भी इस तरह का टैग होगा, जैसे ये एचआर टैग है, ये क्लोज नहीं हो रहा है, तो कोई भी ऐसा टैग जो कि क्लोज नहीं हो रहा है उसको आप इस तरह से बनाएंगे, यानी कि यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई आईएमजी टैग लगा हुआ है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, आईएमजी का क्लोजिंग टैग नहीं होता है, अगर ये बिना इस तरह से एंड हो रहा है तो आपको यहाँ पर एक स्लैश लगाकर इसको एंड करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें इनपुट की, इनपुट को भी आपको ऐसे ही एंड करना पड़ेगा। अब बूटस्ट्रैप वाले इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते कि यार कोई बंदा रिएक्ट ऐप में इस चीज़ को लेकर आएगा, और वो सारी बातें नहीं समझते हैं। बट हमें एक तो ये चीज़ करनी है, और क्लास को रिप्लेस करना है हमें क्लास नेम से, तो ये चीज़ और करनी है हमको। तो कंट्रोल एफ करूँगा, क्लास इज इक्वल टू को मैं रिप्लेस कर दूँगा क्लास नेम इज इक्वल टू से। तो मैं कंट्रोल एफ करने के बाद यहाँ पर क्लास और क्लास नेम इज इक्वल टू डाल दूंगा, या क्लास लिखा मैंने या क्लास नेम लिखा मैंने, कंट्रोल एफ दबाया कीबोर्ड पर और उसके बाद ये दोनों चीज़ें लिखी, रिप्लेस ऑल कर दूंगा, ये सब क्लास नेम हो जाएंगे। और आई होप कि अभी सब कुछ ठीक होगा, मैं कंपाइल करूंगा, अभी भी मुझे कुछ वार्निंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये कह रहा है कि दी एच आर एफ एट्रीब्यूट रिक्वायर्स अ वैलिड वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एच आर एफ है, यानी जो ए एच आर एफ इज इक्वल टू है, उसको हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके हम एच आर एफ इज इक्वल टू स्लैश कर देंगे। और आप अभी सोच रहे होगे कि यार ये काम हम क्यों कर रहे हैं, बट लेट मी टेल यू समथिंग, हम लोग रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में। तो आप क्या करो, अभी एच आर एफ इज इक्वल टू जो ये हैश टैग दिया हुआ है उसको एच आर एफ इज इक्वल टू स्लैश में आप लोग कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और रिप्लेस ऑल कर लो, ठीक है। अभी सेव कर लो इसको, ठीक है, और सेव करने के बाद आई होप कि अब सब कुछ ठीक होगा। अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, नेम इज़ असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, तो मुझे ये सारी की जो नेम वगैरह ये सब मैंने लगा रखे हैं इनको हटाना पड़ेगा। और भी कोई चीज़ अगर यहाँ पर है तो उसको हम देखेंगे, वार्निंग क्या देखने को मिल रही है, कोई और नहीं, अब कोई देखने को नहीं मिल रही वार्निंग। यहाँ पर नेम इज़ असाइंड, ये सारी चीज़ें भी हमने फिक्स कर ली हैं। एक बार और इसको कंट्रोल सी करके वापस से npm स्टार्ट करता हूँ और ये देखता हूँ कि कहीं कोई और वार्निंग तो नहीं मिल रही है, कोई मैंने मिस तो नहीं कर दी वार्निंग। आई होप कि कोई दूसरी वार्निंग मुझे देखने को नहीं मिल रही है, बिल्कुल कोई वार्निंग देखने को नहीं मिल रही है, अभी बिल्कुल सही है हमारी एप्लीकेशन। तो ये जो हमने कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप का, उसको यहाँ पर लेकर हम आ गए हैं ऐप डॉट जेएस में, और हमको दिख भी रहा है, चीज़ें होती हुई भी रही हैं। और मैं यहाँ पर रिसेट कर लूँगा इसको। अब नैवबार जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ टेक्स्ट ट्यूटल्स, क्योंकि मेरी ऐप का नाम है टेक्स्ट ट्यूटल्स, मेरी ऐप का नाम नैवबार नहीं है, तो मैं यहाँ टेक्स्ट ट्यूटल्स डाल दूंगा, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे मैं ये काम करता जाऊँगा मुझे यहाँ पर सारे चेंजेस होते हुए दिखेंगे। मैं यहाँ पर एक होम चाहता हूँ, एक यहाँ पर मैं अबाउट भी चाहता हूँ जहाँ पर मैं इस ऐप के बारे में बताऊँगा। बाकी के सारे LIs को मैं हटा दूंगा, तो ये LI हटा दूंगा, ये LI हटा दूंगा, बहुत ध्यान से हटाना जब भी LI हटा रहे हो, स्टार्टिंग टैग कहाँ पर है, क्लोजिंग टैग कहाँ पर है, सिर्फ उतना हटाना। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग नहीं है, तब मिलेगा एरर आपको और आप हो जाओगे फिर परेशान। इसीलिए हमेशा बड़े ध्यान से रिफैक्टरिंग करो। अगर मुझे हटाना है तो मैं ये सिलेक्टेड को हटाऊंगा पूरा, मैं अगर सिर्फ इतने को हटा दूंगा तो मुझे दिक्कत आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है अपने, ठीक है।
है, कंट्रोल एस कर लो, सेव कर लो कंट्रोल एस करके, और यहाँ पर देखो होम आ गया, अबाउट आ गया। अभी मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो वो मुझे होम पेज पर ही लेकर जाता है क्योंकि मैंने /ref=// कर रखा है, ठीक है। बाद में हम लोग रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करेंगे, सर्च बार को भी अभी रखूँगा, मे बी हम लोग यूज़ कर लें फ्यूचर में, सर्च बार को अच्छा लग रहा है रखते हैं अभी इसको, ठीक है। मे बी मैं सिर्फ इस बटन को ही यूज़ कर लूँ तो, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स हम लोग और भी ला सकते हैं कभी भी, ये भी आप लोग याद रखना। तो हमने एक बेसिक जो हमारा नैव बार है वो तो बना ही दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स हो मेरा और उसके अंदर मैं कुछ कंटेंट डालूँ और बटन्स पे क्लिक कर मैं कुछ काम कर सकूँ, ठीक है। और ये एक बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है बाय द वे, मैं आपको बता दूँ। अगर मैं स्टार्ट करूँ किसी ऐसे प्रोजेक्ट से कि यार फेसबुक क्लोन बना लो, ऊबर क्लोन बना लो, गूगल मैप क्लोन बना लो, तब शायद उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और लगेंगे और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं चीज़ों को एज सिंपल एज पॉसिबल रखना चाहता हूँ, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आप लोग कर पाए, यहाँ तक आप लोग कर पाए। अभी के लिए हम लोगों ने ये देख लिया कि बूटस्ट्रैप किस तरह से ऐड करते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। हमने ये भी देखा कि किस तरह से कंपोनेंट्स लेकर आते हैं बूटस्ट्रैप के और लेकर आते हैं अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर, कैसे हमें क्या क्या चीज़ें रिप्लेस करना है, हमें क्लास इजिकल टू जो था उसको क्लास नेम इजिकल टू करना है, उसी के साथ साथ हम लोगों को जो फॉर है उसको एचटीएमएल फॉर करना है, टैब इंडेक्स जो है उसको टैब कैपिटल आई इंडेक्स करना है, ठीक है। अब अगर आप अपनी पैकेज डॉट जेसन खोलोगे तो यहाँ पर देखो ये रिएक्ट लिखा हुआ है और ये देख रहे हो आप यहाँ पर ये टुल्लू लगा हुआ है, ये टुल्लू बेसिकली ये बता रहा है कि आपका कौन सा रिएक्ट का वर्जन है। अभी यहाँ पर मेरा 17.0.2 है, ठीक है, मैं 17.0.2 वर्जन पे हूँ रिएक्ट के। अगर आप किसी दूसरे वर्जन पे हो तो आपको वो वाला वर्जन देखने को मिलेगा। यहाँ पर 17.0.2 पर हूँ मैं तो मुझे ये टुल्लू के बाद 17.0.2 देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ एक बार और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो पब्लिक फोल्डर है इसमें वो फाइल्स होती हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल होंगी जब आप बिल्ड करेंगे अपनी इस ऐप को, ठीक है। तो इसमें कोई भी आप ऐसी चीज़ मत डालना जो कि सीक्रेट हो, पासवर्ड या फिर कोई ऐसी टेक्स्ट फाइल जो कि आपके क्रेडेंशियल्स को होल्ड करती हो मे बी। तो आपको यहाँ पर सिर्फ वो चीज़ डालनी है जो कि आप पब्लिकली उपलब्ध कराना चाहते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देख लिया कि नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करके हम लोग वापस से बना सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, हम कभी भी अपनी ऐप को npm स्टार्ट करके होस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी ऐप को बिल्ड करेंगे, npm रन बिल्ड करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नोट दैट द डेवलपमेंट बिल्ड इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड, ये डेवलपमेंट बिल्ड बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, npm रन बिल्ड करना पड़ेगा। npm रन बिल्ड करने के बाद आपको जो बंडल मिलेगा वो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होगा, उसको आप डिप्लॉय करें अपने सर्वर पर और उस पर आप ट्रैफिक लेकर आएँ, आपके जो यूज़र्स हैं वो उसको देखें ना कि इसको देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इसमें लाइव रिलोडिंग है, ये आपके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। ये जो सर्वर है ये ज़्यादा यूज़र्स को होल्ड करने के लिए नहीं बनाया गया है, कर ले वो अलग बात है, थोड़े बहुत यूज़र्स शायद ये होल्ड कर ले, बट अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लोड देते हैं तो शायद आपकी ऐप क्रैश हो जाए या मे बी आपको कुछ और कंसिक्वेंसेस फेस करने को मिले। बट यहाँ पर हम लोग बिल्ड करने के बाद कोई Nginx जैसा सर्वर यूज़ करेंगे, फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में मैं, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक सब लोग ऑल सेट हैं और आप लोग को जो है मज़ा आ रहा है इस रिएक्ट के कोर्स में। हम लोग अगले वीडियो में आएंगे वापस और रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स और जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट जो जो आते जाएंगे, जो जो मुझे लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब ये बतानी चाहिए, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग क्या करेंगे कि इस टेक्स्ट ट्यूटोरियल ऐप को कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, और हम लोग देखेंगे रिएक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, रिएक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को, और ये देखेंगे कि उनका इस्तेमाल करके किस तरह से इन सारे कामों को आसानी से किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक रिएक्ट जेएस की जो प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना, इसमें बहुत सारे वीडियोस डल चुके होंगे जब तक आप एक्सेस करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।